हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से निकल के आया है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली, क्या लास्ट डेट रहने वाली, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, प्लस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें मांग रखे स्पोर्ट्स कैंडिडेट वालों के लिए, और कौन कौन से गेम की वैकेंसी निकल के, उन गेमों में कौन से इवेंट की, और उस इवेंट में मैन एंड मैंने की कितनी वैकेंसी निकल के आई है। तो सब कुछ गाइस इस वीडियो में हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। क्योंकि गाइस, आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो जैसे कि स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की, CSR, BSR, रेलवे, इनकम टैक्स, CRPF, यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोटा के अंदर रिजर्व होता है स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, वो भी टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मेरे चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का छोटा से छोटा अपडेट जैसे कि ट्रायल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्लस स्पोर्ट्स कोचेस की वैकेंसी भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर किया जाता है। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अपनी रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से निकल के आए, जिसकी अप्लाई करिए गाइस ऑफलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। लास्ट डेट की बात करें 2/6/2023 है, यानी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और 12/6/2023 उन स्टेटों की लास्ट डेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, सब डिवीज़न ऑफ चम्बा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, इन स्टेटों से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो लास्ट डेट है 12/6/2023 है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस, आपका जो पे लेवल है, आपका लेवल 1 के हिसाब से पे स्केल रहने वाला है, जो कि पोस्ट आप देख सकते हो ग्रुप डी की है, लेवल 1 के हिसाब से इसके अंदर आपका पे स्केल रहने वाला है। टोटल वैकेंसी गाइस इसके अंदर 33 वैकेंसी इसमें निकल के आई है, और गेम की बात करें तो गाइस टोटल गेम गाइस आप देख सकते हो 12 गेम्स की गाइस इसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। गेम की बात करें तो एथलेटिक्स, ब्रिज, बॉडी बिल्डिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, इन गेमों की वैकेंसी निकल के। अब बात करेंगे कि मैन एंड वुमेन में कौन सी गेम की वैकेंसी है और कौन सी इवेंट में वैकेंसी निकल के आई है। तो सब कुछ गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो गाइस एथलेटिक्स के अंदर मैन की वैकेंसी निकल के आई। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दी जाएगा, सरलतापूर्वक आपको डाउनलोड करना है, प्लस आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि आपका कौन सा गेम है, उन गेमों में आपकी वैकेंसी निकल के आई या नहीं निकल के आई, मैन एंड वुमेन में। जैसे कि मैन की निकल के आई, उनमें ये भी और ज़रूर देखना कि आपके इवेंट में वैकेंसी है या नहीं है। बहुत से स्पोर्ट्स कैंडिडेट गलती कर देते हैं कि अपना गेम तो देख लेते हैं, फिर इवेंट नहीं देख पाते, इवेंट उनका होता नहीं, वो फॉर्म अप्लाई कर देते फिर उनका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी, और ये भी देखना है कि गेम आपने सोचो मेरा गेम भी है इवेंट में है, ठीक है, ये जरूर देखना है कि मैन में निकली है वुमेन में निकली है, ठीक है। तो एथलेटिक्स की मैन की निकली है, जो कि आप देख सकते हो 4 वैकेंसी है, 100, 200, 400, 800 और 400 मीटर हेडल्स और हाई जंप, इनकी वैकेंसी निकल के आई 1-1, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ब्रिज मैन की बात करें तो टीम इवेंट की वैकेंसी 2, बॉडी बिल्डिंग मैन की बात मैन की वैकेंसी 1, जो कि वेट कैटेगरी की बात करें तो 70 kg गाइस, 70 kg की वैकेंसी इसमें निकल के आई है, वेट कैटेगरी 70 kg, बॉडी बिल्डिंग मैन वैकेंसी है। क्रिकेट मैन की बात करें तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन, कप स्पिनर, पेस बॉलर, बैट्समैन। फुटबॉल मैन के अंदर डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्डर, 4 वैकेंसी है फुटबॉल में मैन की। स्विमिंग मैन में गाइस स्विमिंग की भी वैकेंसी निकल के आई है, मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे स्पोर्ट्स कैंडिडेट के कि सर स्विमिंग की बताओ, स्विमिंग का कब वैकेंसी निकल के आएगा। तो गाइस इसके अंदर रेलवे की तरफ से साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के में स्विमिंग का वैकेंसी आया है, जो कि आप देख सकते हो मैन का है, ठीक है, 1 वैकेंसी, 100, 400 ब्रिज स्ट्रोक, ठीक है। टेनिस के अंदर मैन का 1 सिंगल्स वैकेंसी है, सिंगल्स की। वॉलीबॉल वुमेन, मैन की नहीं आई गाइस वॉलीबॉल में, मैन की नहीं आई, वुमेन की आई है, सेंटर ब्लॉकर, काउंटर अटैकर, यूनिवर्सल लिब्रो, ठीक है, 1-1 वैकेंसी है। सेंटर ब्लॉकर में 2 वैकेंसी है, काउंटर अटैकर के अंदर 2 है और यूनिवर्सल के अंदर 1 है, लिब्रो के अंदर 1 है, तो 6 वैकेंसी गाइस हो गई, ठीक है। हॉकी मैन के अंदर हॉकी वुमेन दोनों में निकल के आई है, मैन में वुमेन में हॉकी में, ठीक है। फॉरवर्ड मैन की बात करें तो हॉकी के अंदर फॉरवर्ड 3, हाफ 1,
हॉकी वुमेन की बात करें तो फॉरवर्ड वन, मिडफील्डर वन, फुल बैक वन, कबड्डी में दोनों में निकल के ये मैन एंड वुमेन में, मैन के अंदर रेडर लेफ्ट कवर वन, कबड्डी वुमेन के अंदर वन वैकेंसी ऑलराउंडर। ठीक है, तो गाइस शुरू में मैंने बता दिया था टोटल वैकेंसी के अंदर 33 निकल के आई है, 33 वैकेंसी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दी कोटा। तो गाइस ये डिवीज़न बांट रखे, इन डिवीज़न में इतनी पोस्ट है, जैसे कि आगरा डिवीज़न में 5 पोस्ट है यानी 5 वैकेंसी है। ठीक है, रांची डिवीज़न के अंदर 5 वैकेंसी है, तो इसके अंदर डिवीज़न वाइज इसके अंदर वैकेंसी बांट रखी है, तो टोटल 33 वैकेंसी इसमें निकल के आई जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करते हो 18 से लेकर 25 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देर इज़ नो एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स। आप किसी कोई से कास्ट से बिलोंग करते हो उसके अंदर कोई भी आपको इसमें रेलवे की तरफ से आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला जो कि स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है। तो कैसे आपको मैं बता दूं, ये रेलवे की तरफ से प्योरली स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट निकाली जाती है स्पोर्ट्स कैंडिडेट वालों के लिए, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। बिकॉज गाइस ये सिर्फ जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स कैंडिडेट को ही भर्ती करते हैं, ठीक है, जेन्युइन तरीके से। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जो कि मेन है, ठीक है, इसी बेस पे आपका सिलेक्शन भी होगा और आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब और शुरू में बता देता हूँ गाइस, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो इसमें अप्लाई ना करें, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन है एफिलेटेड है वो इसमें अप्लाई करें, रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, रिप्रेजेंट द कंट्री इन एनी ऑफ द चैंपियनशिप इवेंट्स इन दी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, जूनियर सीनियर कैटेगरी, एशियन चैंपियनशिप, एशिया कप जूनियर सीनियर कैटेगरी, साउथ एशियन जो सैफ गेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, USIC वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, आपने इसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एटलीस्ट थर्ड पोजिशन इन फेडरेशन कप तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, एंड जो कि रिप्रेजेंटेड स्टेट मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8th पोजीशन। आपकी मैराथन एंड क्रॉस कंट्री के अंदर भी गाइस एटलीस्ट 8th पोजीशन है आपकी तो भी आप इसमें अप्लाई सरलतापूर्वक कर सकते हो। पोजीशन 8th पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, तो गाइस जो अपना गेम होता है जैसे कि एथलेटिक्स के में हमारी फेडरेशन करवाई जाती है, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप करवाई जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी एटलीस्ट 3rd पोजीशन है तो भी एटलीस्ट एट्थ पोजीशन है आपकी इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सरलतापूर्वक, कोई दिक्कत वाली इसमें अप्लाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करें गाइस इसके अंदर जो आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है कब से कब तक चलने वाला है, 1/4/2020 के बाद कब के बाद इसके अंदर स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसके अंदर वैलिड रहने वाला है, 1/4/2020 के बाद का। ठीक है, इससे पहले का ना हो 2019 2018 2017 वाले इसमें स्पोर्ट्स जो आपकी सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलने वाली, 1/4/2020 के बाद का होना चाहिए, यानी कि सर मेरा 1/3/2020 का है तो भी आपका वैलिड नहीं होगा गाइस। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन बंदे इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं, तो 1/4/2020 के बाद का आपने जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते हैं जैसे कि आपने रिप्रेजेंट कर रखा है अपने सैफ गेम में, एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है, जूनियर सीनियर कैटेगरीज के अंदर आपने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में आपका मेडल है या रिप्रेजेंट कर रखा है कंट्री इंडिया को तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 1/4/2020 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गाइस जो ये अपना मैराथन एंड क्रॉस कंट्री है एटलीस्ट विद 8th पोजीशन, इसके अंदर भी सर्टिफिकेट आपका 1/4/2020 के बाद का ही होना चाहिए, यानी कि मैंने ये बता दिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये इसके अंदर 1/4/2020 के बाद होना चाहिए, ये नहीं कि आपका जो क्रॉस कंट्री जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो 1/4/2020 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस अब बात करें इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट ये जो मैं अभी बता रहा था, दी एप्लीकेंट मस्ट हैव अर्नड दी अचीवमेंट्स मेंशन अबव ऑन और आफ्टर 1/4/2020 जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो कि आप देख सकते हो आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 10th प्लस ITI कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई गाइस मैंने शुरू में बताया था, ऑफलाइन प्रक्रिया इसकी, आपको कोई गलती नहीं करनी, सिक्वेंस वाइज जो इसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना है जो इसके अंदर मांग रखा है नेम फादर नेम, कोई गलती और ओवर कटिंग कुछ नहीं करना है। अब कोई भी आपका फॉर्म बॉक्स रह जाता है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा बेशक आप इंटरनेशनल मेडल ही क्यों ना हो। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो गाइस आप देख सकते हैं UROBC के लिए 500 रुपीज़ लगने वाली है, SC ST वालों को 250 इसके अंदर रुपीज़ लगने वाली है। और गाइस आपको IPO बैंक ड्राफ्ट
ये दो ऑप्शन है आपको, मैं रेकमेंड करूँ आप IPO करवाएं, ठीक है, इंडियन पोस्टल, जो कि आपको कटवाना है फेवर ऑफ FACAO साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच, ये पिन कोड है, पेएबल एट GPO कोलकाता, ठीक है, यहाँ का आप कटवाना है आपको, ठीक है, IPO जो कि आपको अटैच करके सेंड करना है, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंस्ट्रक्शन से आपका इस आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। कोई भी आपको बॉक्स वगैरह, कोई भी सिग्नेचर है, वो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, जो इसके अंदर मांग रखा है वो आपको फिल करना है, ठीक है। और आपको कहाँ फिल करना है, जब इसका देख सकते हो आप, फिल इन द एप्लीकेशन शुड बी सेंड, आपको ये पूरा लिख रखा है एनवलप पे, ये पूरा आपको ये एड्रेस लिखना है, ठीक है, वो सेंड करना है आपको, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जैसे कि दी चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बेंगलोर नंबर 12A गार्डन रीच कोलकाता, ये इनका पिन कोड है, एनवलप पे लिख के पूरा सेंड करना है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है 50 मार्क्स के रहेंगे, और गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन, ड्रीम टाइल 40 मार्क्स के रहने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा आपका डायरेक्ट ट्रायल होगा, और ट्रायल भी जब होगा जब आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होते आपको मेल आएगा, ठीक है, मेल से आपको बता दिया जाएगा आपकी कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, कितने बजे रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ पे करनी है, ठीक है, मेल द्वारा ही आपको बताया जाएगा। आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, उस स्पोर्ट्स ट्रायल के दौरान, पहले ही स्पोर्ट्स ट्रायल, ये नहीं कोई सोचे कि मेरा फिजिकल होगा, मैं फिजिकल में बाहर हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं, रेलवे के अंदर बिल्कुल जैन तरीके से आपका ट्रायल कराया जाएगा, जिस गेम से आप, एथलेटिक्स से हो, स्विमिंग से हो, ठीक है, कबड्डी से हो, जिस गेम से आप, जैन तरीके से आपका अलग अलग कोच होंगे, बिल्कुल जैन कोच होंगे जो कि फेयर होंगे, ठीक है। तो आपका स्पोर्ट्स ट्रायल पहले होगा, जो कि आपके अंदर देख कोच ऑब्जर्वेशन करेगा कि किस खिलाड़ी के अंदर कितना दम है, कितना स्टेमिना है, कितना एंड्योरेंस है, कितना स्पीड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके अंदर से 40 मार्क्स है, उसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफाइड 25, आपको 25 मार्क्स उसके अंदर चाहिए, और 25 मार्क्स से नीचे नहीं होने चाहिए आपके, या 24-23 नहीं होने, तो आप डिसक्वालीफाई कर दे जाओगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स उसके अंदर आप जुड़ने वाले हैं, 50-40-10, तो 100 मार्क्स का जिसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और मिनिमम क्वालिफाई में आपको 60 चाहिए होते हैं। गाइज ये अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस है, एप्लीकेशन नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन दिस नोटिफिकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड। तो गाइज आपको कोई भी जो नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ फुलफिल करके आपको सेंड करना है, कोई भी आपको बॉक्स नहीं छोड़ना, ठीक है, जो भी रिक्वायर है, जो भी आपका पूछ रखा है, ठीक है, आप कुछ भी छोड़ देते हो, सिग्नेचर वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करना भी भूल जाते हो, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। गाइस इसी PDF में आपको फॉर्म दिख जाएगा, जो कि ईजिली है, कोई इसके अंदर हार्ड इसमें नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो इजीली आपको फिल कर सकते हो। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि अपनी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, कोलकाता जोन की तरफ से ये स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 2 जून 2023 है, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर आपका गेम नहीं है, नो टेंशन, अभी अपनी नॉर्थन रेलवे की तरफ से भी रिक्रूटमेंट आई है, उसकी भी लास्ट डेट 2 जून 2023 है, उसके अंदर आपका गेम है, तो आप उसमें फिल कर सकते हो, आपको आई बटन भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है, इसमें गेम है तो आप इसमें अप्लाई करें, उसमें गेम है तो उसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो नॉर्थन रेलवे उसकी भी रिक्रूटमेंट निकल के आई है, ठीक है। तो गाइस अपनी साउथन ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, कोलकाता जोन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइस जो इस गेम से रिलेटेड वही इसमें अप्लाई करें, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते अगली स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट प्लस स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। तो गाइस हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि स्पोर्ट्स गोटा जॉब्स के नाम से आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा, और साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स का, आप इसमें भी जुड़े, इसमें भी गाइस टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी आपको अपडेट करा जाता है, तो इसमें भी प्यार दिखाएं अपना, जल्दी जल्दी इसमें जुड़े, और मिलते हैं अगले रिक्रूटमेंट प्लस स्पोर्ट्स अपडेट स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।